रामायण में मंथरा का किरदार निभाने के अलावा तुम भरत की माँ नहीं, हृदयहीन हो, पापी हो, हत्यारीन हो। भाई जैसा भाई तो दुनिया में नहीं मिलेगा, मेरे पिताजी जैसे पिताजी दुनिया में नहीं मिलेंगे, और मुझे ये दो भाई और बाप, इनके सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक क्रूर सास के चरित्र को इतनी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया कि भारतीय महिलाओं ने हमेशा प्रार्थना की कि उनकी बेटियों को ललिता पवार जैसी सास ना मिले। सास तुम्हारे जैसी संगदिल हो जाएगी तो बाप बेटियों के ब्याह नहीं करेंगे, पैदा होते ही उनका गला घूंट डाले। बस आती है उल्टा मुस्तंदी, मेरा पास नहीं बाजी। दोस्तों, बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार अपने आखिरी समय में अकेली रही। 24 फरवरी 1988 को मुंह के कैंसर होने की वजह से उनका निधन हो गया। वो पुणे से कैंसर का इलाज करवा रही थी। ललिता पवार ने जिस समय अंतिम सांस ली थी वो अपने बंगले में अकेली थी। और उनके पति अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर 3 दिन बाद पता चली। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। दोस्तों, ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 700 फिल्मों में काम किया है, लेकिन लोकप्रियता उन्हें रामायण में मंथरा का रोल निभाकर मिली थी। इस रोल के बाद लोग उनसे असल जिंदगी में भी नफरत करने लगे थे। ललिता पवार बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया था और इस हादसे की वजह से उनकी एक आंख चली गई थी। इस तरह उनका हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह गया। ललिता पवार ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 2 शादियां की थीं। ललिता पवार के पहले पति गणपत पवार ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत पवार का अफेयर ललिता पवार की छोटी बहन से हो गया था। इसके बाद ललिता पवार ने राज प्रकार गुप्ता से शादी कर ली। महज 9 साल की उम्र में ही ललिता पवार ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। ललिता पवार अपने ज़माने में बेहद ही खूबसूरत और बॉल्ड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं। हर तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे, लेकिन हादसे के बाद उन्हें फिल्मों में हीरोइन का रोल नहीं मिला। हालांकि इन्होंने कैरेक्टर रोल से ज़बरदस्त वापसी की। ललिता पवार की कुछ चर्चित फिल्मों में अनाड़ी, परछाई, श्री 420, मिस्टर एंड मिसेस 55 आदि शामिल है। फिल्मों में आने के बाद ललिता पवार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, लेकिन एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। लेकिन शायद भगवान ने ललिता पवार के लिए कुछ और ही प्लान किया था। साल 1942 में ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंगे आज़ादी के लिए शूट कर रही थी। एक सीन के शूट के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ कान पर लग गया और इसी कारण उनकी आंख के पास की नस फट गई। ललिता पवार को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मिले गलत ट्रीटमेंट के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। कई सालों तक ललिता पवार का इलाज चलता रहा। वो ठीक तो हो गई, पर उनकी एक आंख खराब हो गई और साथ ही करियर भी। करियर इसीलिए क्योंकि इस एक्सीडेंट के पहले तक ललिता पवार फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम कर रही थी, लेकिन बाद में निर्माता निर्देशकों ने उन्हें लीड रोल में उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इलाज के कारण ललिता पवार 3 साल तक घर पर खाली बैठी रहीं, लेकिन जब वापस लौटी तो उन्हें माँ बहन और सास के रोल ही मिलते रहे। इस तरह ललिता पवार
सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही सीमित रह गईं। पर इन कैरेक्टर रोल्स में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंक दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। रामायण सीरियल के किरदार आम जिंदगी में काफ़ी चर्चित है। रामचंद्र सागर की मशहूर सीरियल रामायण में ललिता पवार ने दृष्ट मंथरा का किरदार निभाया था। ललिता पवार नफरत का पर्याय बन चुके इस नाम का दूसरा कोई उदाहरण खोजना मुश्किल। जब रामानंद सागर ने प्रतिष्ठित धारावाहिक रामायण लॉन्च किया तो उन्हें केकेई की नौकरानी की भूमिका निभाने के लिए ललिता पवार जैसा उपयुक्त कोई नहीं मिला। एक बार फिर युवा पीढ़ी को ललिता पवार के खलनायक प्रदर्शन की उत्कृष्टता को देखने का अवसर मिला। 1990 तक ललिता पवार ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 600 फिल्में की और 1990 में ही ललिता पवार को जबड़े के कैंसर का पता चला था। वो अपने इलाज के लिए पुणे शिफ्ट हो गई थी। इस बीच उन्होंने 1990 में हत्यारे, 1992 में शिव तेरी महिमा न्यारी और 1992 में ही मुस्कुराहट जैसी फिल्में की। फिर हादसे, जिंदगी के आखिरी दौर में पूना के एक छोटे से बंगले में अपने बीमार शौहर के साथ बिल्कुल तन्हा रह गई थी ललिता जी। पहले भी खिजा में बाग उजड़े पर यूं नहीं जैसे अब के बरस, सारे बूटे पत्ता पत्ता रविश रविश बर्बाद हुए। और 24 फरवरी 1998 का वो मनहूस दिन जो एक आखिरी हादसा लेकर आया था उनकी जिंदगी में, उनकी मौत का हादसा। घर की तन्हाइयों के बीच न जाने किस तकलीफ से गुजरते हुए दम तोड़ा होगा कि मौत के 2 दिन के बाद उनके शोहर राजकुमार गुप्ता को पता चला उनकी मौत के बारे में। सारी दुनिया सदमे में आ गई कि ललिता पवार नहीं रही, कुछ बाकी रहा तो हादसों भरी जिंदगी की एक दास्तां।